देवदार के पेड़ों से घिरे वन में प्रतिवर्ष लगने वाला पौराणिक देवराना मेला धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मेले में रमाई घाटी की परंपरा और लोक संस्कृति की एक अलग झलक देखने को मिली। देहरादून का देवराना मेला रमाई के आराध्य देव रुद्रेश्वर का पौराणिक मेला है और 65 गांवों के आस्था का प्रतीक है। देवराना मेले में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और रुद्रेश्वर महादेव से मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा मेले में रमाई का सुंदर परिधान पहनकर पुरुष और महिला मेले में पहुंचते हुए तांदी नृत्य करते हैं। वहीं रमाई घाटी के लोगों की ऐतिहासिक और पौराणिक देवराना मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग है, लेकिन मेले को अभी तक राजकीय सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देवराना मेले में पहुंची भाजपा महिला प्रवक्ता नेहा जोशी ने बताया कि वो देवराना घाटी में आकर बेहद खुश हैं और जल्द ही इस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग को सरकार के सामने रखेंगी। वहीं रुद्रेश्वर देवता मंदिर के माली अमित नौटियाल देवराना ने कहा कि मेला पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस मेले को राजकीय मेला घोषित करना रमाई की जनता की महत्वपूर्ण मांग है। यहाँ आषाढ़ महीने के मूल पूर्णिमासी में बाहर आते हैं, गर्भगृह से बाहर आते हैं और अगले दिन यहाँ इस मेले में उपस्थित होते हैं और जो महाराज जी के पशुआ होते हैं, माली होते हैं, वो अपने छाती पे मूर्ति को बांध के उनको शिखर जिसे नाई मुंडी बोलते हैं उस पर बैठ कर महाराज जी के दर्शन कराते हैं। जहाँ पर जो महाराज जी के पुजारी होते हैं वो दुग्ध से महाराज जी का स्नान करते हैं। इस मेले का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, मुंगेर संतीपति खातलपति ऊपर तक आते हैं, बहुत दूर दराज से लोग आ जाते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।